मेरा तो सीधा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं हिंदू धर्म का दुश्मन मानता हूं। इसलिए अगर संदीप भाई को कोई गलतफहमी है कि भाजपा वाले हिंदू धर्म का कोई काम कर रहे हैं तो इस गलतफहमी को अपने दूर कर लीजिए और कागज अगर आपने कर देखा तो मुझसे ले लीजिएगा। जो लोग 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेच के चंदा चोरी कर रहे हैं उनको आप हिंदू धर्म का मानते हैं। ऐसे ही मुसलमानों के बीच में कोई कट्टरपंथ की बात करे उसमें भी मजा बहुत आता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो ये कट्टरता और नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं आपका भी घर जलाने का काम करेंगे, आपके भी खिलाफ करेंगे। और पूरे दुनिया में नफरत की राजनीति का क्या अर्थ है? इस देश के लोगों को ये बात समझनी होगी। भाजपा वालों ने चुनाव के पहले बहुत ईमानदारी से कहा था ये चुनाव 80-20 पे होगा, 80-20 पे होगा, 80-20 पे होगा। अब जनता समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा था 80-80 पैसे रोज पेट्रोल और डीजल का दाम 20 दिन तक बढ़ेगा, अब वही कर रहे हैं बेचारे। तो इसलिए महंगाई भी इस देश में आएगी, बेरोजगारी भी आएगी, हमारे नौजवान फांसी पर चढ़ के अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के बीच धार्मिक उन्माद में इतना उलझा दिया गया है लोगों को कि कोयला संकट है ही नहीं है। आप बताइए, 4 महीने पहले सारे टीवी चैनल्स पे खबर चल रही थी 2 दिन का कोयला बचा है, 4 दिन का कोयला बचा है, कोयला संकट हो गया। कैसे कोयला आ गया भाई? आप खुद सोचिए ना, 2 साल तक कोरोना के समय में तमाम इंडस्ट्रीज बंद रही। जब इंडस्ट्रीज बंद रही तो उस समय कोयले का उपभोग कम हुआ, कोयले की ज़रूरत कम पड़ी, लेकिन कोल इंडिया का प्रोडक्शन जारी था, यानी कि कोल का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो कोयला कम कैसे हो गया? कोयला तो स्टॉक में ज़्यादा है। कोयले का संकट प्रायोजित किया जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है? फ़ायदा अडानी को पहुंचाना है, फ़ायदा एसआर को पहुंचाना है, फ़ायदा बड़े बड़े पावर कंपनियों को पहुंचाना है। जब बिजली का संकट पैदा होगा तो 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये यूनिट में बिजली खरीदी जाएगी, और जब 25 रुपये यूनिट बिजली खरीदी जाएगी तो मार किसके ऊपर पड़ेगी? कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगी, उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगी, हमसे वसूली की जाएगी। और कहा जाएगा साहब बिजली कंपनियां घाटे में हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।